यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत सुना था मैंने बटरफ्लाई के बारे में, बटरफ्लाई ब्रू बाइट एंड फ्लाई के बारे में। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी फैंसी जगह है, सुनने में तो यही आया है, रिव्यू भी गूगल पे बहुत अच्छा है। तो मेरा मन हो रहा था अंदर जाने का, तो मैंने सोचा चलो लेट्स गो। तो मैं अभी यहाँ पे अंदर आ गई हूँ एंड मैं यहाँ आई हूँ ब्रंच के लिए। तो काफ़ी खाली है, कोई भी नहीं है। ऑलराइट, तो बैठते ही भैया ने मेन्यू पकड़ा दिया। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं क्लासिक मॉकटेल्स एंड अल्कोहल में क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक भी है। मैं एंड मेरे फ्रेंड, हम लोग अल्कोहल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मॉकटेल ऑर्डर किए थे, वो आगे आपको दिख जाएगा। एंड मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ सो दैट आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा। देन आपको इसमें जिन, वोडका, रम, ब्रांडी और पता नहीं क्या क्या, ये सारे का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक। एंड मुझे ना बहुत ही अजीब लगा, यहाँ पे ना आपको विस्की वगैरह 275 रुपीज़ में बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा, एंड मॉकटेल जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है वो उल्टा यहाँ पे महंगा लगा मुझे, लाइक 395 का था। इसके बाद फूड वाले मेन्यू में ये सारा ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, वेज नॉन वेज दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, तो काफ़ी डिस्कशन के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि हमें पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद मैं निकल पड़ी इस जगह को एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में बॉटल से डेकोरेट किया हुआ सारा ही जो अल्कोहल का जो बॉटल आता है उसको यहाँ पे फैंसी बॉटल्स उसको यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन सामने आपको मिलेगा बार काउंटर। आई मस्ट से ये जगह बहुत बड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, दो फ्लोर का है एंड परफेक्ट प्लेस टू हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑफकोर्स किड्स। यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं, ऊपर में एक है जहाँ पे आप स्मोक कर सकते हो एंड दूसरा है जहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते हो। लाइक डाइनिंग ऑप्शन भी है एंड रूफ टॉप वाला भी ऑप्शन है, तो आप को जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हर जगह आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर में बटरफ्लाई का लोगो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे लाइट एंड ऑल काफ़ी अच्छा था, प्लस यहाँ पे हर वॉल पे ना कुछ ऐसे इनोवेटिव किया हुआ था, काफ़ी अच्छा एंड यूनिक कॉन्सेप्ट था। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है, आराम से 300-400 लोग यहाँ पे जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन, तो अगर आपको मैच वगैरह स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह देखने का शौक है तो आप यहाँ पे जाके आराम से विथ योर फूड एंड ड्रिंक आप इंजॉय कर सकते हो। लिटरली ईच एंड एवरी कॉर्नर बहुत सुंदर था, बहुत ही थॉटफुल था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लाइट्स वगैरह बहुत ही अच्छा था, डे टाइम है इसलिए ज़्यादा लाइट्स यहाँ पे अभी ऑन नहीं है, बट मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा है रात में, ये बहुत सुंदर लगता है। अभी हम लोग गए थे 3-4 बजे, तो इसलिए लाइट कम है एंड क्राउड भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम लोग और टाइम पे गए हैं तो ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे थे। वैसे मेरे लिए अच्छा था, मैं घूम घूम के पूरे जगह पे वीडियो बना पाई। अभी चलो लेकर चलती हूँ ऊपर, तो यहाँ पे ओके, अभी मैं नीचे ही दिखा देती हूँ। तो नीचे से यू कैन सी हियर कितना बड़ा है ये, एज ए टोल्ड यू दो फ्लोर का है, बड़ा सा बटरफ्लाई का लोगो है एंड हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा यूनिक, काफ़ी अच्छा लग रहा था। म्यूजिक आपको यहाँ पे लाइव म्यूजिक मिलेगा एंड बैठने का भी जो सिटिंग एरिया है वो हर टाइप का है, अगर आपको सोफ़ा चाहिए, चेयर चाहिए और इस टाइप का चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बहुत सारा है, नो म्यूजिक नो लाइव, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। देन इसके बाद मेरा खाना आ चुका था तो मैंने सोचा चलो पहले खा लेते हैं एंड इसके बाद चलते हैं ऊपर। तो अभी खाना आने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं आ गई हूँ अपने सीट पे, बैठ गई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ, थोड़ा बहुत सेल्फी ली एंड उसके बाद हमारा ड्रिंक पहले आया। तो देखने में पहले मुझे लगा कि ये ग्लास में कुछ प्रॉब्लम है क्या, देन मेरी फ्रेंड बोली कि पहले मुझे भी यही लगा था ये इस तरीके का शेप है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने पाइन एप्पल को ड्राई करके उसको बटरफ्लाई वाला शेप देकर ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पीने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, कैंडी जैसा टेस्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई कैंडी को मिला दिया है सोडा में और पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने ऑरेंज वाला भी ट्राई किया, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद आया हमारा पिज़्ज़ा एंड ये है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा,
ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा था एंड प्राइस भी अच्छा लगा, लाइक 595 कुछ इतने का ही था अप्रॉक्स 600। तो इसका मुझे जो प्राइस है वो भी वर्थ लगा एंड अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। देखने में काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा एंड इसका जो चीज़ था वो भी अच्छा था, लाइक फ्रेश लग रहा था, काफ़ी अलग था, अलग टेस्ट था, तो अच्छा लगा मुझे, हम दोनों ने इन्जॉय किया। बट द थिंग इज़ इतना बड़ा पिज़्ज़ा हम दो लोग मिलके नहीं ख़त्म कर पा रहे थे। जब भी मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ दो स्लाइस इनफ होता है मेरे लिए, मैं मैक्सिमम 3 खा सकती हूँ बट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। एंड बीच बीच में मैं ये ड्रिंक अपना इंजॉय कर रही थी। इसके बाद ये पिज़्ज़ा एज ए टोल्ड यू कि हम लोगों से ख़त्म नहीं हुआ, तो हमने इसको करा लिया पैक। तो अभी हम लोग इसको घर लेकर जा सकते हैं, देन हम लोग गए वॉशरूम एंड यहाँ पे मैं आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा देती हूँ। इसके बाद चलो चलते हैं ऊपर। तो पूरे स्टेयर्स पे इस तरीके का लाइट लगा हुआ है एंड साइड साइड में कुछ कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऊपर आने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि रात के टाइम में यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होता है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस हो जाता है ये। एंड बाहर वाला जो एरिया है ये है स्मोकिंग जोन, वहाँ पे आप बैठ के स्मोक ड्रिंक वगैरह कर सकते हो। एंड अंदर नॉन स्मोकिंग जोन है, तो आप आराम से छोटे बच्चे के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। एंड आप इस वाले एरिया में बैठ के स्पोर्ट्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हो, खाना इन्जॉय कर सकते हो। ये वाला कॉर्नर बहुत सुंदर है, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। ओवरऑल ये जो प्लेस है बहुत अच्छा है, डेफिनेटली यू कैन गो हैव फन विथ योर किड्स एंड फैमिली। एंड प्राइस की बात करूँ तो ठीक ठाक लगा, अफोर्डेबल लगा, 1300 में हम दोनों का हो गया। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।